किस तरह यकीन आएगा तुम लोगों को कि मैं बेकसूर? तुम्हारी मंगनी टूटने में मेरा कोई कसूर नहीं। ठीक है, मैं तुम्हारी बातों पे यकीन कर लूंगी अगर आतिर मुझसे शादी कर ले तो। धोखा तो मेरे साथ हुआ है, मेरे जज्बात के साथ, मेरे ख्वाबों के साथ, मेरे अरमानों के साथ। मैं किसके पास जाऊं, किसको अपने दिल की बात कहूं? देखो नौरीन, मैं शर्मिंदा हूं, मैं तुमसे माफी मांग चुका हूं, इससे ज्यादा मैं और क्या कर सकता हूं? मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आतर चाहिए। चाहने लगी हूं मैं आपको, मोहब्बत करने लगी हूं आपसे, आप सोच भी नहीं सकते कि मैं आपसे कितनी मोहब्बत करती हूं। मेरा यकीन करें आतर, मैं आपको इतनी मोहब्बत दूंगी कि आप सब कुछ भूल जाएंगे, उसको भी जिसे आप चाहते हैं। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, बल्कि मैं किसी भी लड़की से नहीं शादी कर सकता सिवाय उसके जिसे मैं पसंद करता हूं, जिसे मैं प्यार करता हूं। तुम प्लीज चली जाओ यहां से, प्लीज मेरी जाती जिंदगी का तमाशा मत बनाओ, चली जाओ यहां से। जा रही हूं। वो कंगन तो आपकी मां ने मेरे हाथ से उतार लिए, लेकिन मेरे दिल से आपको कोई नहीं उतार सकता। और हां, आज मैं आपके सामने कसम खाती हूं, अगर आप मुझे नहीं मिले तो मैं अपनी जान दे दूंगी, याद रखिए। और मैं ये सिर्फ कह नहीं रही, करके भी दिखाऊंगी। क्यों ये शख्स बार बार मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता है? मैं जितना उससे दूर भागती हूँ उतना वो करीब आता जा रहा है। क्या है ये सब, क्यों हो रहा है ऐसा मेरे साथ? क्योंकि तुम भी उसे चाहती हो तन्नू, तुम भी उसे चाहती हो, उसे पसंद करने लगी हो। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा ही है तन्नू। तुम मानो या ना मानो, तुम्हें उससे मोहब्बत हो गई है। कब तक इस हकीकत को झुठलाओगे? आखिर कब तक इस सच्चाई से मुंह फेरती रहोगे? एक ना एक दिन तुम्हें इस हकीकत को तस्लीम करना पड़ेगा, आतिर की मोहब्बत को अपनाना पड़ेगा तन्नू। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों, क्यों नहीं हो सकता? आखिर क्यों तुम हमेशा उससे दूर भागती हो, क्यों उसकी मोहब्बत को ठुकराती हो? नौरीन के लिए, मुमानी के लिए तन्नू, इन लोगों ने तुम्हें दिया ही क्या है सिवाय दुख, तकलीफ और नफरतों के? यहां तक कि तुम्हें जान से मारने की कोशिश की, तुम्हारी जान लेना चाहिए। किस्मत ने तुम्हें एक मौका दिया है तन्नू, आगे बढ़ो, थाम लो आते का
और अपने हिस्से की खुशियां अपनी झोली में डाल लो। नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकती। मैं चाह कर भी आतिर की मोहब्बत नहीं अपना सकती। अपनों को तकलीफ देकर मैं अपनी खुशियां हासिल नहीं कर सकती। इन लोगों के एहसानों का बदला मैं ऐसे नहीं चुका सकती। फिर कैसे चुकाओगी? सरवर से शादी करके, एक शादीशुदा मर्द के साथ जिंदगी गुजार के? बेवकूफी मत करो तन्नो। मैंने कहा ना, मैं ये सब नहीं कर सकती। मैं ये सब नहीं कर सकती। तुम जाओ यहां से, जाओ यहां से, जाओ। तो मुझे लंच का बोल के खुद गायब हो गए। मैं वहां तुम्हारा इंतजार करता रहा और आप जनाब का कुछ पता ही नहीं है और सेलफोन भी ऑफ रखा हुआ है। सॉरी यार, एक प्रॉब्लम हो गई थी। खैर वो सब छोड़, ये बता दे ट्रिप कैसा रहा और अंकल आंटी कैसे हैं? ठीक है? ट्रिप तो बहुत अच्छा रहा। हाँ, बाबा की तबीयत थोड़ी सी खराब थी इसलिए मामा को वहीं छोड़ा। खैर तुम ये बताओ क्या हुआ, तुम्हारा मूड क्यों खराब है? क्या बताऊं यार, जिंदगी जैसे अजाब बन गई। हुआ क्या है, कुछ बताओगे तो पता चलेगा ना। हर रोज जिंदगी एक नया मोड़ लेती है। एक तरफ वो है तंजीला जो किसी हाल में मानने को तैयार ही नहीं, उन लोगों के लिए कुर्बानी दे रही है जिन लोगों ने सारी जिंदगी उसे दुख गम तकलीफें दी, यहां तक कि उसकी खुशियां छीन ली उन लोगों के लिए। और दूसरी तरफ वो है नौरीन जो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई है। अब ये नौरीन कौन है? वही तंजीला की कजन नौरीन, जिसके साथ मामा मेरा रिश्ता जोड़ाई थी, जिसका खमियाजा मैं अभी तक भुगत रहा हूं। वो लड़की हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई, दो दफा मेरे ऑफिस आ चुकी है। आज जब तू लंच पर वेट कर रहा था तब वो मेरे ऑफिस आई हुई थी, इसीलिए मैं नहीं आ सका। मैं क्या करूं यार, मैं बहुत परेशान हूं। पर तेरे खूब मजे, कभी तंजीला, कभी आनिया, कभी नौरीन, और एक हम है, एक भी नसीब नहीं होती। यार बकवास नहीं कर और ये बता नौरीन से कैसे पीछा छुड़ाऊं जब वो मरने की धमकी दे के गई है। तू टेंशन मत ले, उसने जज्बात में आके ऐसे ही कह दिया होगा। तू उसे सीरियस बिल्कुल मत ले, तो उस पर फोकस रख जिस पर जरूरत है। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, बल्कि मैं किसी भी लड़की से नहीं शादी कर सकता सिवाय उसके जिसे मैं पसंद करता हूं, जिसे मैं प्यार करता हूं। तुम प्लीज चली जाओ यहां से, प्लीज मेरी जाती जिंदगी का तमाशा मत बनाओ। ऑफिस तो मैं आपके जरूर आऊंगी आतर साहब, तमाशा मैंने नहीं आपने मेरी जिंदगी का बनाया है। अब मैं आपको बताऊंगी कि तमाशा किसे कहते हैं। मैम, मैम,
हाँ मैं। ये क्या तमाशा है नौरीन? तुमसे मैं कितनी मर्तबा कह चुका हूं कि मेरे ऑफिस मत आना, ये तुम बार बार मेरे ऑफिस आके साबित क्या करना चाहती हो? ये कोई तमाशा नहीं आतेर साहब, जो तमाशा तुमने शुरू किया था आज मैं उसे खत्म करने आई। क्या मतलब, क्या कहना चाह रही हो तुम? मैंने तुमसे मोहब्बत की है आतेर, चाहे अनजाने में, धोखे में, या तुम इसे कुछ भी नाम दे दो, लेकिन ये हकीकत है आतेर के मैंने वाकई तुम्हें सच्चे दिल से चाहा है। और अगर तुम मुझे जिंदगी में नहीं मिले तो मुझे ये जिंदगी नहीं चाहिए। ये क्या रोज रोज के ड्रामे लगाए हुए तुमने? चाहती क्या हो तुम? हाँ, क्या चाहती हो? तुम्हें अभी और इसी वक्त फैसला करना होगा कि तुम मुझसे शादी कर रहे हो या नहीं, क्योंकि मैं अपनी और तजलील बर्दाश्त नहीं कर सकती। नौरीन को अपना मुकदमा लड़ना आता है और तुम मुझे यूं ठुकरा कर सुकून से जी नहीं सकते। बस बहुत हो गया नौरीन, अभी के अभी मेरे ऑफिस से निकलो, गेट आउट। तुम्हें अभी और इसी वक्त फैसला करना होगा आतिर कि तुम मुझसे शादी कर रहे हो या नहीं। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। कहाँ जा रही हूँ? क्लास खत्म हो गई, कोई बात करनी थी? वैसे अगर मेरी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बात करना चाहती हो या नसीहतें देना चाहती हो तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं फैसला कर चुकी हूँ और मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। अच्छा, मुझे भी तो पता चले ऐसा कौन सा फैसला कर लिया तुमने जो बदला नहीं जा सकता। तुम अच्छी तरह जानती हो किरण, फिर बार बार मुझसे ये सवाल क्यों करती हो? तुम्हारे सवाल से मुझे तकलीफ होती है। तो तुम्हें तकलीफ होती है इस सवाल से, तो इसका तो ये मतलब है कि तुम्हें ये सब करते हुए भी तकलीफ हो रही होगी। तो फिर क्यों कर रही हो ये सब? अपने साथ भी जुल्म कर रही हो और उसके साथ भी जुल्म कर रही हो जो तुम्हें इस जुल्म से बचाना चाहता है। बस कर दो किरण, मैंने बहुत मुश्किलों से खुद को संभाला, प्लीज मेरी मुश्किल और मत बढ़ा। तुम तो मेरी दोस्त हो, मुझे समझने की कोशिश करो। खैर, मैं इस बारे में मजीद कोई बात नहीं करना चाहती, प्लीज तंजीला। किरण, हम कोई और बात कर सकते? अच्छा चलो, ये बताओ तुम कल क्यों नहीं आई? चार दिन बाद मेरी शादी है, तुम तो जानती हो जब लड़की की शादी होने वाली होती है वो कितना मसरूफ हो जाती है, घर के इतने काम होते हैं और फिर शॉपिंग। तुम शादी की शॉपिंग खुद कर रही हो? हाँ, सर्वर मुझे रोज मॉल ले जाते हैं, बहुत सारी शॉपिंग कराते हैं, महंगी महंगी चीजें दिलाते। तुम खुश हो?
कारण उस शख्स का वजूद मुझे अपनी जिंदगी में एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं। सारी जिंदगी किस तरह गुजारूंगी? तुम जानती हो एक दिन जब वो मुझे मॉल शॉपिंग के लिए ले गया था, आता रहे था उस वक्त मेरा दिल किया कि आतिर का हाथ थामू और उसके साथ कहीं दूर भाग जाऊं, जहां कोई ना। लेकिन मेरे जाने से क्या होता, होगा तो वही जो होना चाहिए, जो मेरी किस्मत में लिखा है। चलो, जो बात तुमने दिल में दबाई थी आज जुबान पर तो आई। आखिर तुम मेरी बात मान क्यों नहीं लेती? इनकार कर दो शादी से और थाम लो उसका हाथ जो तुम्हें पागलों की तरह मोहब्बत करता है, तुमसे शादी करना चाहता है, तुम्हें जिंदगी की तमाम खुशियां देना चाहता है। नहीं कर सकती, क्योंकि मैं मामू जान को तकलीफ नहीं दे सकती। अगर उन्हें पता चला कि नौरीन की खुशियां मेरी वजह से छिन गईं, वो सह नहीं सकी। और मैं खुद से नजरें मिलाने के लायक नहीं हूं। मानी ने कहा था कि आज जल्दी घर, देर हो जाएगी तो खफा होंगी। हाँ मैं ठीक हूँ, बस तंजीला को लेकर जल्दी हॉस्पिटल पहुंचो। नौरीन ने अपने हाथ की वेन काट ली है। क्या नौरीन ने? मामू जान को ये सब पता चलेगा तो पता नहीं क्या हो, वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। प्लीज आप कुछ भी करें, ये बात पुलिस तक नहीं पहुंचनी चाहिए। फोन खोल के सुन लेता ना, अगर मेरी बच्ची को कुछ हुआ ना मैं जान से मार दूंगी तुम्हें।